Akalu, Ju, Appa, Che, Mamma ka. Chotu, aaja beta, aaja. सत श्री अकाल जी, वेलकम टू दी पंजाबी वॉन्डरर्स यूट्यूब चैनल। और निकोबार में कुछ दिन बिताने के बाद मैं आज पहुंच गया हूं रॉस आइलैंड। दिस आइलैंड इज़ जस्ट 10 मिनट्स अवे फ्रॉम पोर्ट ब्लेयर और मैं यहां मिलने आया हूं अनुराधा जी से। शी इज़ अ टूर गाइड हेयर बट द इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ दैट शी हैज़ अ फैमिली ऑफ अराउंड 400 डियर एंड शी टॉक्स टू देम। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अनुराधा जी को मिलने आया था मैं दोबारा आज, वो भी आ रही हैं, लेकिन इन द मीन वाइल मैंने देखा कि जो ऑफिशियल्स हैं वो उन्होंने गेहूं डाला है शायद गीला करके पूरी लाइन में। तो अभी यहाँ पे जितने भी हिरन हैं साइलेंट पे ऑलमोस्ट सभी के सभी यहाँ पे आ गए हैं खाना खाने के लिए। ब्यूटीफुल साइट। आपका नाम तो पता है अनुराधा, वो मैं पहले भी मिला चुका हूँ। लेकिन आप कब से हैं यहाँ पे, आप कब से ये कर रही हैं और एक्चुअली कर क्या रही हैं? हाँ, मैं करके आई हूँ। जब मैं छोटी थी यहाँ पर बहुत कम हिरन हुआ करते थे, मुश्किल से 20-25, उससे ज़्यादा नहीं। तो 1987 डिफेंस आने के बाद इनको हम लोगों ने सेव करना शुरू किया और इनका ध्यान देना शुरू किया। और ये बहुत ही कम एक ही बच्चे देते, ज़्यादा बच्चे नहीं देते। अच्छा। इनको बचाना बहुत मुश्किल होता है। ओके। मगर अब ये लोग इस आइलैंड पर उसके हिसाब से जीने लग गए हैं, जहाँ जैसा नेचर होता है उस हिसाब से जीते हैं। अब ये मरेंगे इस खुशी में, से मरते नहीं जल्दी, अपने आप स्ट्रगल करके बचाते। वैसे भी इन लोगों को बहुत सारा गॉड गिफ्ट होता है, ये लोग उससे अपना स्ट्रगल करते हैं लाइफ को। ठीक है। और ये हर तरह की चीज़ से वाकिफ है, अगर पीने का पानी ना मिले समुद्र का पानी पीते हैं, मगर अब हम इसको मना करते पीने से। अच्छा। अब हर जगह पर बंद कर दिए, इनको पीने का पानी खाने का इंतजाम सब कुछ किया है। ज़्यादा भूख लगे मेरे रूम के पास आकर घूमने मंडराने लगते हैं। अच्छा। और इनका एक नियम है, ये टाइम पर इस समय पर जब उन लोग आवाज़ दे दिए जाए ये दौड़ कर नीचे आते हैं और ये थोड़ा थोड़ा खाना छोड़ देंगे। इसके बाद सारे बर्ड्स, सारे बुलबुल, सारे पेंकी, सारे खरगोश, सारे स्कूल, सारे पिकॉक्स आकर अपना अपना खाना खाएंगे। जैसे ये अपने ग्रुप को लेके जाना शुरू करेंगे वो सारे पक्षियों का आना शुरू हो जाएगा। फिर 5 बजे तक ये लोग खाते रहेंगे, पक्षी चुगती रहेगी, खरगोश चुगती रहेगा, गिलहरी चुगती रहेगी। तो आप यहाँ की नेटिव हैं, यहीं पे रहती हैं आप? ना, यहाँ की रूम तो बना के दिया है, इमरजेंसी में रुकती वरना नहीं रुकती मैं घर। अच्छा, से नहीं, लेकिन आप वैसे पोर्ट प्लेयर से हैं या रॉस आइलैंड से? इसी आइलैंड की फोर्थ जनरेशन हूँ। ये मेरे पिता का जन्म स्थान है। ओके, मैं इस आइलैंड की फोर्थ जनरेशन हूँ, ये मेरे पिता का जन्म स्थान है। और छोटी बच्ची से हम लोग सब स्कूल टाइम से आते थे, जहाँ सामने जो वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आपने देखा ना, पहले वहाँ फिशरमैन का जगह होता था। तो फिशरमैन लोग मच्छी को सुखाते, कुछ करते, हम लोग खेलते खेलते इधर आते, पहाड़ के इधर आते, तो फिशरमैन के नाम इधर में आ जाते थे, हिरन से खेलते रहते थे हम लोग बचपन में। वो तरह आना शुरू किया, उनको देखना शुरू किया, ये आते थे, पत्ती थे खाते थे, कोई चीज़ खाने का देने से खाते, क्योंकि कुछ मिलता नहीं था उनको खाने के लिए। नीचे जो नले को तोड़ के खिलाओ खाते, आराम से पानी, नले का पानी भी लोग पीते हैं। हम लोग से दोस्ती बनने लगी इसकी, मगर संख्या कम थी इनकी। कौन से साल से शुरू किया आपने कंजर्वेशन? ये 1987 के बाद। 87, तो 87 में बोल रहे बहुत कम थे। हाँ, बहुत कम। और ये अभी 30 साल में लोग उसको हंटिंग करके ले आते थे। ओके, बहुत ओके, कम ओके, था। ओके। तो अभी 30 साल में नंबर इनके बढ़ गए। अभी 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 क्या नंबर, कितने के हिरन हैं? 400 के तादाद में। लेकिन ये सारे नहीं है अभी यहाँ पे ना, 400 नहीं है, क्योंकि ऊपर लोग घूम रहे हैं ना, लोग वहाँ रुका रखा नहीं आने दिया। ओके ओके ओके, इसलिए उनका आधा खाना रखा हुआ है। ठीक है। तो मतलब जो अपने स्टेप्स उठाए वो यही है कि इनकी हंटिंग रोक दी अभी। हाँ, हंटिंग रोक दी और इन लोग, इनको खाने को कुछ मिले। अच्छा, ओके ओके, ओके, ओके। तो उनका खाना कर दिया और हंटिंग कर दिया, बाकी उनका रिप्रोडक्शन और वो सब तो वो नॉर्मली चल रहा है। वो नॉर्मली चलेगा, उसको नेचर में रखा, उसको अलग से घर बना के पहले हट बना के देते थे। अच्छा। अब नहीं देते, इनको सिखाते अपनी जगह पर, क्योंकि यहाँ हमेशा साइक्लोन आता है, भूकंप आता है, तो इनको बचना सीखना चाहिए ना, तो छोड़ देते। इनको अपना ग्रुप है, इनकी अपनी टोली है, 3 ग्रुप में ही रहते, 3-4 ग्रुप में ही रहती है अलग अलग स्थान पर। अपने बच्चों को सेव करना, अपने बच्चे को पालना, बच्चे कहाँ देना, पानी कहाँ पीना, सब कुछ सीखती है। एक आपने मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बताई थी चीज़ अभी, कि आपने सुनामी देखी है। लोगों को नहीं पता है कि सुनामी कितनी भयंकर होती है। 200 फीट हाइट का सुनामी था। और देखो, हम लोग को पता नहीं था ये इसका नाम सुनामी क्या होता है, ये पता नहीं था। और ये जो हमने देखा वो सुनामियों का नहीं पता, सब कुछ होने के बाद पता चला ना ये सुनामी है। एक बड़े जंगल को आग लगता है और गंदा धुआं निकलता, बदबूदार धुआं निकलता है, वैसा उस समुद्र का पानी वो कलर का हो गया। अच्छा। और आवाज़ करता वो साइंस, ऐसा लगता था कोई बड़ा सा राक्षस मुंह खोल के निकल के हमें लेने के आया है। पहले तो एकदम से समुद्र का पानी गया, वो मछली तड़पने लगी, लोग भागने लगे, अरे बड़ा बड़ा मछली सब तरफ पानी गैप हो गया। समुद्र का पानी कहाँ गया किसी को नहीं पता। अच्छा। पूरा समुद्र का पानी गैप, सारा मछली दिखाई देता है, सब मछली तड़प रहा है। और अचानक से भू बोलता वाला ये पानी उठ के ऐसा आ गया, तो बड़ा अजूबा चीज़ है, दिल को धक करता है।
आत्मा तक कांपती है कि ये क्या चीज है, समझ में नहीं है। बाद में मालूम पड़ा इसको लोग सुनामी कहते हैं, सुनामी बोलते हैं। और आपने बताया कि तब आप इसी आइलैंड पे थी जब सुनामी आई थी। हाँ, इसके आसपास ही बाजू में। तो आपने बताया कि इसी आइलैंड पे कोई ऊंची जगह है जहाँ आप ऊंची जगह पे चले जाते हैं, चले जाते जानवर से भगा के, या किसी को मृत्यु सब भगा के ले गए ये लोग सब ऊपर तक। अच्छा, तो मतलब यहाँ पे नुकसान, मतलब जान का नुकसान, जान का नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ माल का नुकसान हुआ। ठीक है। इसी आइलैंड ने पोर्ट ब्लेयर को सेव किया। ये आइलैंड नहीं होता ना आज इस वक्त आप मेरे से बात नहीं करते, क्योंकि हम लोग रहते ही नहीं। पूरे के पूरे को धस देता, पूरा नाश मार देता। वो कितना ऊंचा पहाड़, सेलो जेल है, वो सब पहाड़ को हिट किया से दोबारा जाकर, मगर वहाँ कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ सब इसने रोक लिया, ये रास्ते में 45 meters का पूरा खाप कर, जितने स्ट्रक्चर जो खंडर फंडर थे ना वो सबको धोखे ले गया, हर चीज को स्थान से हटा दिया। देखो बंकर को हटा दिया, बंकर तोड़ नहीं सका, पूरा गिर गया, ऊपर में भी बंकर और नीचे गिरा हुआ है सारे कुछ बिल्डिंग को, जहाँ जिससे नटबोल्ट निकल गया खंडर गिरा दिया। अच्छा, मेरा एक सवाल सवाल था कि आपकी जो संस्था, आपकी कोई संस्था है या आप अकेली ही हैं? नहीं, मैं अकेली संस्था वाले आते हैं। संस्था क्या करता है, संस्था मेरे को बहुत सारे ऑफर्स आए, मैंने ऑफर को नहीं लिया, क्योंकि संस्था बनने से सरकार की तरफ से एक पैसा मिलता है। तो जब तक हम रहेगा वो पैसा सही चलेगा, मेरे मन के पास तो पैसा गलत इस्तेमाल होगा, इनके तक नहीं पहुंचा तो। ये कि आपकी मतलब लेगेसी को मेंटेन करने के लिए आपने कुछ सोचा है कि आपके बाद कौन होगा? हाँ, सोचा, मगर आज का जनरेशन का सोच अलग है मेरे से। तो इस तरह कई गाइड्स को भी हम लोग, बहुत सारे लोग मेरे से सीख कर भी गए हैं, मगर उनका कहना है कि वो अपने परिवार के लिए पैसे कमाए, उसका परिवार बच्चा है। ऐसा एक लफ्ज़ का सुना तो दिल को दुख हुआ जब उनसे कहा ना, मेरे मरने के बाद जब तुम लोग यहाँ पर गाइड करोगे तो कम से कम मेरे बच्चे का ध्यान रखना। तो उस लोग का संकेत था कि मैं उनसे बोलूँगी अपने पैसे से खाना लाओ, ऐसा नहीं बोलूँगी मैं, मगर उनकी सोच ये थी। वो लोग बोले हम लोग वहाँ पैसे कमाने के जानवरों को हम क्या देखेंगे, कुछ ना कुछ इसका बंद, क्योंकि पैसा है सबके दिमाग में, सबके दिमाग पैसा भरा हुआ है। इंसान ये नहीं सोचता कि जब माँ पैदा करे बिना कपड़े का मर के जाएंगे, कुछ भी नहीं ले जाएंगे, हम लाते भी कुछ नहीं ले आते भी कुछ। अगर कोई भी ये वीडियो देखेगा, ये वो अगर वो चाहता है आपसे बात करना, आपसे सीखना कि आप कैसे जान, तो वेलकम ऑल द टाइम, आप उसे सिखाएंगे? हाँ, मैं बिल्कुल सिखाऊंगी, आने दीजिएगा। कोशिश करे वो रहेगा, छिपे जाता है, बैठना चाहता है, मिलना चाहता है, सब कुछ सिखाऊंगी। मैं तो चाहती हूँ, मेरे तो आगे पीछे वही मैं कह रहा हूँ कि आपके बाद कौन संभालेगा, सबको चाहिए कोई जिसके दिमाग में पैसा ना हो, जिसके दिमाग में सिर्फ जानवरों के लिए प्यार हो। आपने ये भी बताया मेरे को कि आप इन सबको नाम से आप जानती हैं। हाँ, तो छोटू सुना लिए, अले बाबा ले बल्ले तू भी आ गया, आज बाबा नहीं आया, चलू तू अब पहुंचे मम्मा का, छोटू आ जा बेटा आ जा। अब वो पतली के लिए पकड़े, सीट शार्प हो गया ना। ये देखो सिंह गिर के 16 month में सिंह गिर के सब वेलवेट वाला आते हैं। अच्छा। अब इसका खून सूखेगा, इतना सख्त हो जाएगा ना, तो ये कांटे में रगड़ के साफ करके इतना सुंदर बनाएंगे, चमकाएंगे। अच्छा, पहले अच्छा ठीक है, पहले ऐसा होता है जैसे 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 ये मतलब हाँ दिख रहा है, मतलब मखमल इतना बड़ा सिंह आएगा, उसके बाद सूख जाते हैं ऐसे करके, खून सूख जाएगा, फिर ये कांटे वाले पेड़ में रगड़ कर इससे सुंदर बनाएंगे, जो कितना शाइन कर रहा है। आपसे अच्छा लगा आपसे मिलके, तो इसको खत्म करते हैं। अभी मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोगों में जज्बा है, इफ़ यू लव एनिमल्स, इफ़ यू वांट टू लर्न ऑल दिस कि कैसे ये इंटरेक्ट करती हैं जानवरों से और कुछ भी चीज़, तो आप आइए इनसे मिलिए रॉस आइलैंड में, आपको नाथा जी मिल जाएंगी हर वक्त हर वक्त। ठीक है, धन्यवाद। यार ये बहुत ही स्पेशल एक्सपीरियंस था मेरे लिए। इसके अलावा आई हैव सीन मास नेस्टिंग ऑफ टर्टल्स इन ओडिशा, आई हैव बीन विद ग्रीनलैंडिक डॉग्स ऑन द सी आइस इन ग्रीनलैंड, एंड आई हैव ट्रेन्ड सम फाल्कन्स इन कजाकिस्तान, सो यू माइट लाइक टू वॉच दोज वीडियोज एज वेल। एनीवेज, इसके बाद मैं चला गया था हैवलॉक, और अगले वीडियो में हम जानेंगे ऑल द ट्रिप्स एंड ट्रिक्स दैट यू नीड टू नो इफ यू आर गोइंग टू हैवलॉक। सो स्टे ट्यून्ड, subscribe to the channel, press the bell icon, follow me on Instagram, and I will see you in the next video. Goodbye.